हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज टिप्स। गर्मियों में स्किन टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हम बाहर घूमने चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो हमारी स्किन का जो जो हिस्सा खुला होता है वहां पर टैनिंग के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आपके साथ सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर अपने कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से टैनिंग हटा सकते हैं और स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो टिप्स देने वाली हूं, इससे आप रातों रात गोरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि गोरे होने की क्रीम तो आज तक बनी ही नहीं, और गोरा होना भी क्यों। अपनी स्किन से प्यार कीजिए और मस्त रहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन 3 से 4 शेड ज़्यादा निखर जाएगी और लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। तो टैनिंग हटाने के लिए ये मैंने थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लिया है। गाय या भैंस, किसी का भी दूध हो आप ले सकते हैं। आप देख लीजिए कहीं आसपास गाय भैंस पली हो तो वहाँ से आप ले लीजिए। अगर कच्चा दूध नहीं मिल रहा तो फिर आप पैकेट वाला दूध ले सकते हैं। कच्चे दूध में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि हमारी त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है। मान लीजिए मेरे हाथों में टैनिंग है, तो हम 1 चम्मच दूध हाथों में लेंगे और मसाज करेंगे। जब ये दूध स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तब दोबारा 1 चम्मच दूध लेंगे और फिर मसाज करेंगे। मसाज हमें हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करना है, इस तरह से। जब ये भी एब्जॉर्ब हो जाए तब फिर से 1 चम्मच दूध लेंगे और फिर से मसाज करेंगे। इस तरह से 2-3 बार मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि अब दूध एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो अब इसे हल्के हाथों से तब तक मसाज करेंगे जब तक ये सूख न जाए। कच्चा दूध एक क्लिंजर की तरह काम करता है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से स्किन पर गजब का ग्लो आने लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने सारा दूध सुखा लिया है। अब इसे रात भर ऐसे ही रहने देंगे। ये प्रोसेस हम हमेशा रात में ही करेंगे ताकि हम इसे 5-6 घंटे तक ऐसे ही रख सकें। इसी तरह हम इस कच्चे दूध से फेस पर, गर्दन पर और पैरों पर, जहाँ कहीं भी टैनिंग है, मसाज करेंगे और रात भर के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से मसाज करने से हमारी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी और लैक्टिक एसिड को अपना काम करने का टाइम भी मिलेगा। अगर आप गर्मी में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो सुबह उठने के बाद नॉर्मल पानी से स्किन को धो लीजिए, और अगर ठंडी का मौसम है तो हल्के गुनगुने पानी से स्किन को धोकर सुखा लीजिए। अब हमने ये पका हुआ टमाटर लिया है। टमाटर खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, ये स्किन की प्रॉब्लम दूर करने में भी बहुत कारगर है। हम चाकू से इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब 1 टुकड़ा लेकर इसे हाथों पर इस तरह से रब करेंगे। हम इसे करीब 5 मिनट तक तब तक रगड़ेंगे जब तक इसका सारा गूदा यूज ना हो जाए। जब टमाटर का रस खत्म होने लगे तब गूदे को इस तरह से अंगूठे से दबा दबा कर स्किन पर रगड़ेंगे। इस तरह से हम टमाटर का सारा गूदा यूज़ कर लेंगे।
ये देखिए अब इसका सिर्फ छिलका बचा है। इसी तरह से टमाटर का यूज़ हम चेहरे पर, गर्दन पर और पैरों पर भी करेंगे और करीब 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से डेली मॉर्निंग में टमाटर से स्किन को रब करेंगे। टमाटर स्किन टैनिंग हटाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करीब 20 मिनट के बाद आप स्किन को धो लीजिए। इसके बाद आप जो भी फेस वॉश या सोप यूज़ करते हों यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डेली रात में कच्चा दूध और सुबह में टमाटर के इस्तेमाल से आपको 2 दिन में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा और करीब 10-12 दिन में तो आपके फ्रेंड्स भी आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज पूछने लगेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हों तो धूप में निकलने से बचें और यदि जाना ही पड़े तो स्किन को अच्छे से कवर करके निकलें, वरना आप कहेंगे कि आपकी टिप्स ने कोई काम नहीं किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।